हेलो स्टूडेंट, आज न्यूमेरिकल्स करेंगे लॉ ऑफ फोर्सेस के। तो पहले हम ना बेसिक देखते हैं, अभी कोई बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल्स देखते हैं जिससे आपको क्वेश्चंस की क्लैरिटी हो जाए। सपोज मैंने क्या मान लिया, पहले आपको ये इसका फॉर्मूला आना चाहिए रिजल्टेंट का, जो मैंने कराया पिछली वीडियो में, F1² + F2² + 2F1F2cos। दिस इज़ अ फॉर्मूला ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लेता हूँ पहले इसका, पहले थोड़ी सी कंडीशंस देख लेते हैं। ठीक है, जो जनरल कंडीशंस है, पहले हम थोड़ी कंडीशंस देखते हैं। तो जो जनरल सिंपल सी कंडीशंस है वो देखते हैं। सबसे पहली जो कंडीशन है, मैंने मान लिया फोर्स वन एंड फोर्स टू में जो एंगल है वो थीटा जो गिवन है वो 0 डिग्री है। इसका क्या मतलब है, पहले तो ये मतलब समझ में है कि इसका व्हाट इज़ द फिजिकल मीनिंग दैट F1 एंड F2 मेक्स एन एंगल 0 डिग्री। सपोज मैंने माना राम ने 10 न्यूटन से एक बॉडी को इस तरफ खींचा, ये एक बॉडी है। ठीक है, राम ने 10 न्यूटन से खींचा और श्याम ने भी इसी तरफ खींचा, लेकिन उसकी फोर्स 20 न्यूटन थी। ठीक है, तो ये ना एक मतलब जिसने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ वो भी बता देगा भी सर ये जो कोई चीज़ है, जैसे मैंने सपोज कोई बॉडी ले ली, इस बॉडी पे सर जो नेट फोर्स है वो 30 न्यूटन है, और जो कि सर उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, यानी वो मार्कर के पॉइंट की तरफ जा रही है। सर दिस इज द डायरेक्शन। हाँ सर, तो ये हमें मालूम है, तो इस फॉर्मूले से ये कैसे आएगा वो भी हमने देखना है। हमने इधर वैल्यू पुट कर देनी है, हमने बोलना है सर रिजल्टेंट का फॉर्मूला जब थीटा 0 डिग्री है तो ये यूं बन गया F1² + F2² + 2F1F2cos 0। ठीक है सर, थीटा की जगह हमने 0 प्लेस कर दिया, ये देखो इसकी जगह मैंने 0 प्लेस कर दिया। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। तो अभी cos 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, द वैल्यू ऑफ cos 0 इज़ 1, यानी जो इसकी वैल्यू है वो 1 हो गई। यानी अगर मैं नेक्स्ट टर्म में देखूंगा तो मेरा जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू आ गई F1² + F2² + 2F1F2। सर ठीक है, cos 0 1 हो गया, 1 × 2F1F2 ही आ जाएगा। तो नेक्स्ट कंडीशन में क्या करोगे, ये a² + b² + 2ab का फॉर्मूला बन गया, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ √F1 + F2² तो ये स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, ये आपने पढ़ा हुआ, यानी रिजल्टेंट इज इक्वल टू F1 + F2। दिस इज द फाइनल आंसर। तो मैं कह सकता हूँ F1 10 और F2 20 है, यानी 10 + 20 जो नेट फोर्स है इस क्वेश्चन में वो कितनी हो गई, 30 न्यूटन। तो ये क्लियर हो गया आपको, मतलब ये जब दो बॉडी में जो एक बॉडी में अगर दो फोर्सेस लग रही हैं तो जो मैक्सिमम फोर्स है इसको ग्रेटेस्ट फोर्स का केस कहेंगे, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट कब आता है बताओ बच्चों, जब दोनों बंदे एक ही डायरेक्शन में खींचते हैं। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा, मैंने बोला बेटा दो फोर्स, एक 11 न्यूटन और एक 16 न्यूटन लग रही है एक बॉडी के ऊपर, बताओ ज़्यादा से ज़्यादा उस बॉडी पे कितनी फोर्स लग सकती है। तो बच्चा कहेगा सर ये देखो ये बॉडी है, 11 भी इसी तरफ लगा दो और 16 भी सर इस तरफ लगा दो, दोनों में एंगल 0 ले लो दोनों फोर्सेस में, क्योंकि जे ये और ये लाइन दोनों में एंगल 0 हो जाएगा, तो 16 + 11 सर 27 फोर्स हो जाएगी इस पर टोटल। तो ये हमें क्लियर है, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट का केस है। तो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट तब आता है जब एंगल दोनों के बीच में 0 हो, यानी दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम हो। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट केस लेते हैं हम, अभी इसको रब कर देते हैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही रहेगा। हमने हम क्या ले लिया, लीस्ट रिजल्टेंट का केस ले लिया, इधर लिखते हैं लीस्ट रिजल्टेंट का केस है ये। लीस्ट रिजल्टेंट के केस में क्या करना है, हमने मान लेना है भाई थीटा दोनों फोर्सेज में जो एंगल है वो 180 डिग्री है। इसका क्या मतलब है सर 180 डिग्री का, देखो राम ने खींचा इस तरफ 8 न्यूटन से इस बॉडी को और श्याम ने खींचा इस तरफ 4 न्यूटन से, तो ये एंगल तो हमें मालूम है सर ये 180 डिग्री है। तो अभी ये देखो, ये भी एक कॉमन बंदा बता देगा भी ये किस तरफ बॉडी जाएगी, बच्चा कहेगा सर देखो 8 से इस तरफ खींच रहा है, 4 से इस तरफ खींच रहा है, तो अब ये 4 न्यूटन से सर इस तरफ जाएगा क्योंकि 8 - 4 = 4 होता है। ठीक है सर, तो ये बच्चे का आंसर सही है। क्या हम इस फॉर्मूले से इसका आंसर निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, अब थीटा को 0 की जगह जब अब 180 डालेंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा R = √F1² + F2²
प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस 180 कॉस 180। तो ये इधर लिख देते हैं, 4 न्यूटन को ऊपर लिख देते हैं, भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो अभी कॉस 180 कितना होता है ये कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं, वैसे मैं आपको इसकी वैल्यू बता रहा हूँ -1, यानी मैं इसको रिजल्टेंट को लिखूंगा, रिजल्टेंट इज इक्वल टू एफ वन स्केयर प्लस एफ टू स्केयर माइनस ऑफ टू एफ वन एफ टू, क्योंकि कॉस 180 -1 हो जाएगा, -1 इंटू दिस माइनस आ जाएगा, तो ये एफ वन माइनस ए माइनस बी का होल स्केयर बन गया, एफ वन माइनस एफ टू का होल स्केयर। तो इसको हमने स्केयर को अंडर रूट से काट दिया, तो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया एफ वन माइनस एफ टू, यानी जो एक फोर्स है वो है 8, दूसरी है 4, यानी 8 - 4 हमारा आंसर 4 आ गया। तो सर ये बड़ा सिंपल कंसेप्ट था, ये हमें क्लियर है सर। तो लीस्ट का भी केस पता लग गया, ग्रेटेस्ट का भी पता लग गया, यानी अगर कोई क्वेश्चन है उसने बताया भाई ग्रेटेस्ट फोर्स बताओ तो दोनों की डायरेक्शन सेम रख लेनी है, अगर बोले लीस्ट फोर्स बताओ तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट रख लेनी है, ठीक है। अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा पहले अपने पॉइंट क्लियर करते हैं। अच्छा, अभी मैंने एक थर्ड स्पेशल केस ले लिया, ना ग्रेटेस्ट ना लीस्ट, मैंने मान लिया दोनों के बीच में थीटा 90 डिग्री है। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है राम ने इस बॉडी को खींचा इस तरफ 8 न्यूटन से, श्याम ने खींचा इसको 4 न्यूटन से ऊपर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल है 90। तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? तो जब 90 डिग्री का केस है तो ये फॉर्मूला बहुत छोटा बच जाता है, ये जो फॉर्मूला होता है R इक्वल टू एफ वन स्केयर प्लस एफ टू स्केयर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा, तो एफ वन एफ टू कॉस 90 आ जाएगा, तो कॉस 90 एक बहुत हैंडसम वैल्यू है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। अगर ये 0 है तो ये सारी की सारी चीज़ 0 होगी, यानी जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है अब वो सीधा ही एफ वन स्केयर प्लस एफ टू स्केयर हो गया। तो ये आपने याद करना है, अगर दो फोर्सेस 90 डिग्री पे हैं तो लंबा फार्मूला भूल जाना है, 2F1F2 cos थीटा भूल जाओ, हमारे पास सिर्फ सिंपल सा फार्मूला है, यानी R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्केयर प्लस F2 स्केयर, यानी F1 की वैल्यू मैंने 8 ले ली है और F2 की वैल्यू मैंने 4 मान ली है, तो 8 स्केयर प्लस 4 स्केयर, 8 जा 64, 4 जा 16, दैट इज रूट ऑफ 80 आ गया, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल है, तो ये रिजल्टेंट हमारा आ गया रूट 80 इन दिस केस। चलो सर हमें ये भी पता लग गया अभी कैसे रिजल्टेंट निकालना है जब 90 डिग्री पे है। अभी मैंने जो तीन स्पेशल केस थे तीनों आपको करा दी हैं, पहला केस था भी दोनों में एंगल 0 डिग्री, दूसरे में 180 डिग्री और तीसरे में 90 डिग्री। चलो अभी मैं एक आपको क्वेश्चन कराता हूँ, फिर उसके बाद होमवर्क भी दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम ये क्वेश्चन देखते हैं भाई, सर दो फोर्स हैं, एक फोर्स है 4 न्यूटन, एक फोर्स है 6 न्यूटन। हमारे पास अब तीन क्वेश्चन आ गए, पहले उन्होंने बताया भाई, फर्स्ट बोला भाई ग्रेटेस्ट फोर्स निकालो, फिर बोला लीस्ट फोर्स निकालो, थर्ड बोला भाई सर दोनों थीटा दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तब कितनी फोर्स लग रही है वो निकालो, ठीक है। तीनों केस में उसने ग्रेटेस्ट लीस्ट एंड थीटा 90 पे फोर्स मांगी। ग्रेटेस्ट फोर्स सर ये तो बड़ी सिंपल है, ग्रेटेस्ट फोर्स दोनों में एंगल 0 डिग्री, यानी आप सर डायरेक्ट ऐड कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स दोनों को ऐड करके आती है, यानी 6 + 4 = 10, ठीक है। थीटा 0 डिग्री होता है सर इस केस में, इस केस में थीटा कितना होता है बेटा, सेकंड केस में थीटा 180 होता है। तो इसमें क्या करना है, लीस्ट होती है जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, यानी सर 6 - 4 यानी ये 2 आ गई। 90 डिग्री में क्या होता है सर, दोनों को स्केयर करके अंडर रूट कर दो, क्योंकि पूरा फार्मूला अब नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा बेटा, क्योंकि कॉस थीटा यानी थीटा 90 है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। चलो ये भी समझ में आ गया। अब हम कोई जनरल केस लेते हैं जिसमें थीटा 0 भी नहीं है, 90 भी नहीं है और 180 भी नहीं है, कोई जनरल केस, फिर उससे मैं आपको डायरेक्शन कैलकुलेट करने भी सिखाऊंगा भी कैसे कैलकुलेट करनी है हमने डायरेक्शन। चलो देखो, सपोज मैंने माना भाई एक बॉडी है ये रही, इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं, सपोज एक फोर्स है 10 न्यूटन, दूसरी फोर्स है 20 न्यूटन। अच्छा सर एक चीज़ हमें बताओ सर भाई, ये दोनों फोर्स पुल नेचर की हैं कि पुश नेचर की हैं, इसको हाथ मान ला करो, तो ये भी पुल नेचर की और ये भी पुल नेचर की, ये इसको यूं पकड़ के खींच रही है और ये इसको ऊपर की तरफ पकड़ के खींच रही है। इन दोनों में उन्होंने एंगल बता दिया सर, ये एंगल है 60 डिग्री दोनों फोर्स में। वो कहता है इसका रिजल्टेंट निकालो,
तो रिजल्टेंट तो आपको मालूम है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है बोलो मेरे साथ साथ बोलो। सर द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट इज अंडर रूट ऑफ एफ वन स्केयर प्लस एफ टू स्केयर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा। तो जैसे मुझे याद है वैसे ही आपको याद होना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल सर, याद होगा सर हमें, हम करेंगे सर अच्छी तरीके से। तो जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है इधर करते हैं, इसमें आप एफ वन एफ टू किसी को भी मान लो, इसको एफ वन मान लो, इसको एफ टू मान लो, यानी सर अंडर रूट ऑफ टेन स्केयर प्लस ट्वेंटी स्केयर एफ वन स्केयर एफ टू स्केयर प्लस टू, टू आ गया, एफ वन मैंने माना है टेन, टू इंटू टेन इंटू ट्वेंटी इंटू कॉस ऑफ थीटा कितना है 60 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। इसको पूरे के कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, मैं अभी जल्दी जल्दी जितना होता है वैसे कर देते हैं। ये आ गया 400, ये कॉस 60 कितना होता है 1/2, 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये 200 आ गया, यानी ये आपके पास आ गया रूट 700। दिस इज़ द रिजल्टेंट, ठीक है? तो ये रिजल्टेंट का हमारे पास आंसर आ गया, दिस इज आर इक्वल टू रूट ऑफ 700, ठीक है? तो ये आपको आंसर पता लग गया। अभी वो इस क्वेश्चन में डायरेक्शन भी पूछेगा, सर ये रिजल्टेंट है ये किस तरफ आएगा? मैंने मान ली ये रिजल्टेंट कुछ इस तरफ आया, यानी यह है रूट 700। रूट 700 की वैल्यू 10 और 20 के बीच में होनी चाहिए। देखते हैं एक बार दोबारा से कि ये इसकी कैलकुलेशन कहीं गलत तो नहीं है हमारी। तो देखें दोबारा से जो नेट फोर्स है, दैट इज़ ये जो नेट फोर्स होती है ना, ये होता ऐसे है, अभी मैक्सिमम फोर्स देखो 10 हो सकती है, 20 प्लस 10 30 हो सकती है, मिनिमम फोर्स 20 माइनस 10 यानी 10। ज़्यादा से ज़्यादा ये दो फोर्स लगें, अगर दोनों सीधे लग जाएँ तो 30, एक इधर और एक इधर लग जाए दोनों पोजिट तो 10, अभी और कोई एंगल आ जाए तो इन दोनों के बीच में, यानी इसका जो आंसर रूट 700 30 और 10 के बीच में ही होता है, ठीक है? चलो ये नहीं भी समझ आया कोई खास बात नहीं है, ये जनरल बता रहा था आपको, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब डायरेक्शन निकालनी है, अभी ये रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है, तो इसको मैंने मान लिया एंगल बीटा। अब जैसे जैसे मैं बोलूँगा ना उसको ध्यान से सुनना है आपने। अभी उसने पूछना है इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन, ये रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है इसकी डायरेक्शन सर बताओ। तो वो कैसे निकलना है, आपने सबसे पहले डालना है टेंजेंट ऑफ बीटा। सर इसको मैंने बीटा मान लिया, ठीक है? जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना है, ठीक है? आपको नहीं तो ये याद नहीं होने वाला। अब देखो बीटा जो एंगल है वो रिजल्टेंट और फोर्स के साथ है, रिजल्टेंट एंड फोर्स। रिजल्टेंट को तो आपने देखना ही नहीं है, इसको तो भूल जाओ। अब बीटा 10 के साथ बन रहा है कि 20 के साथ बन रहा है? सर 10 के साथ बन रहा है। जिसके साथ वो बन रहा है ना बीटा, उसको एक बार नीचे रख दो। सर ठीक है, एक बार नीचे रख दिया बीटा इसके साथ बन रहा है। जिसके साथ बीटा नहीं बन रहा वो कौन है? सर 20, उसको दो बार ऊपर और नीचे डालो। चलो सर ठीक है डाल दिया। ये फॉर्मूला मैंने आपको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में प्रूफ कराया है, ठीक है? अब मैं उसको कैसे पुट करना है वो समझा रहा हूँ। अभी यहाँ पर साइन और नीचे डालो कॉस, टोटल एंगल के साथ। टोटल एंगल कितना है? सर ये है 60 डिग्री और ये सर ये भी है 60 डिग्री। दिस इज टेंजेंट बीटा, ठीक है? ये हमारा टेंजेंट बीटा आ जाएगा। तो हमने यहाँ से एंगल निकाल लेना है। सर एक बार सर ये दोबारा से समझाओ। तो मैं दोबारा से समझाना है तो मैं इस डायग्राम के लिए नहीं किसी और के लिए समझाता हूँ, ठीक है? मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना कैसे डायरेक्शन निकालनी है। मैं सिर्फ डायरेक्शन ही बताऊँगा, मैं रिजल्टेंट नहीं बताऊँगा आपको। मैंने माना एक फोर्स 6 न्यूटन और एक फोर्स 8 न्यूटन लग रही है, दोनों के बीच में एंगल है 30 डिग्री। तो ये हमारा रिजल्टेंट है कुछ सपोज मान लिया, इसकी आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, अंडर रूट 8 स्केयर प्लस 6 स्केयर प्लस 286 इंटू कॉस 30। सर जो बोला समझ में आ गया, लेकिन मेन तो डायरेक्शन सिखानी है अभी। ये जो डायरेक्शन है ये कैसे निकालेंगे, तो ऐसे लिखोगे पहले टेंजेंट ऑफ बीटा, ठीक है? सर ये समझ में आ गया। अब ये बीटा किसके साथ एंगल बना रहा है वो देखो, बीटा एंगल 6 के साथ बना रहा है कि 8 के साथ? सर 6 के साथ। तो वो कितनी बार आएगा? सर एक बार। कहाँ आएगा? सर नीचे। जिसके साथ एंगल एक बार नीचे, जिसके साथ नहीं है वो दो बार आएगा, यानी सर 8 ऊपर भी आएगा और 8 नीचे भी आएगा, साइन अपॉन कॉस के साथ आएगा। सर टोटल एंगल कितना है बेटा? साइन का ये टोटल एंगल कितना था? सर ये टोटल एंगल है 30 डिग्री, यानी ऊपर आएगा 30 और नीचे भी आएगा कॉस 30। तो दिस इज़ द डायरेक्शन, हाउ वी कैलकुलेट द डायरेक्शन, दिस इज़ वेरी सिंपलेस्ट मेथड। तो ये मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया। तो अभी इतना करें, अगले लेक्चर में और मेडिकल्स करेंगे।